दोबर न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम हमारे मेहमान में आपका स्वागत है। मैं हूँ वैशाली व्यास। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको भिन्न भिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हस्तियों से रूबरू कराते हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ एक बार फिर स्टूडियो में मौजूद है जाने माने साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर संजीव त्रिपाठी जी, जिन्होंने पहले हमें OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी थी, और इस बार ये हमें बच्चों में होने वाली समस्याओं के बारे में अवगत कराएंगे। तो आइए बिना देर किए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि ये लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है और क्यों होती है। लर्निंग डिसेबिलिटी बेसिकली बच्चों में होने वाली समस्या है। ये बच्चों में जो ऐसे बच्चे जो एकेडमिकली डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं और पर्टिकुलर किसी चीज़ में, जैसे रीडिंग में, राइटिंग में, मैथ्स में, ग्रामर में, या इससे जुड़ी हुई कोई भी एकेडमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं जहाँ पर हमको किसी स्किल्स की ज़रूरत होती है, एकेडमिक स्किल्स की ज़रूरत होती है, लर्निंग स्किल्स की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर ऐसे बच्चे डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं। तो सिग्निफिकेंटली हमने ये देखा है कि कुछ बच्चे बाकी सभी चीज़ों में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन शायद वो रीडिंग में डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं, या फिर वो राइटिंग में डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं, या रीडिंग और राइटिंग में वो बेहतर होते हैं लेकिन वो मैथ्स में डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं। तो हम उनको पर्टिकुलर कुछ क्राइटेरिया के अंतर्गत हम उनको ये मानकर चलते हैं कि ये लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिसमें डिसलेक्सिया बहुत कॉमन है, जिसमें रीडिंग और राइटिंग दोनों की प्रॉब्लम होती है, डिसकैलकुलिया जिसमें मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम होती है, डिसग्राफिया जिनमें बच्चों को कुछ ग्राफ्स बनाने में डिफ़िकल्टी महसूस होती है, ऐसे बच्चे राइटिंग में भी डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं। तो इस तरह से कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों में, जहाँ पर वो लर्निंग संबंधित डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं। और ये क्यों होती है, अगर हम बात करें तो लर्निंग डिसेबिलिटी का ऐसा कोई प्रमाणिक कारण नहीं है कि ये इसके कोई पर्टिकुलर रीज़न है, पर हाँ ये देखा गया है कि कई बार जेनेटिक्स होते हैं, परिवार में अगर किसी को प्रॉब्लम रही है किसी तरह की तो उन बच्चों में आने की समस्या संभावना रहती है। कुछ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आफ्टर डिलीवरी कुछ बच्चों में कुछ जो डेवलपमेंट होना चाहिए ब्रेन का वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है, तो उसमें वो डिफ़िकल्टी आ जाती है और ऐसे बच्चे डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं। मतलब केवल पढ़ाई ही नहीं, किसी और चीज़ में भी ये डिसेबिलिटी हो सकती है। जी हाँ, पढ़ाई के अलावा भी डिफ़िकल्टी हो सकती है, जैसे बच्चों में कुछ जजमेंट लगाने में उनको डिफ़िकल्टी होती है, कुछ पर्टिकुलर स्पेस है उसका जो एक पूरा जो एक दूरी होना चाहिए उसका जजमेंट वो प्रॉपर नहीं लगा पाते हैं, अगर उनकी तरफ आप बॉल फेंकेंगे तो वो उसको प्रॉपर कैच नहीं कर पाते हैं, उनको लेस बांधने में, मोटर स्किल्स में भी उनको डिफ़िकल्टी होती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें बच्चों में लर्निंग में इन स्किल्स की ज़रूरत होती है, तो बच्चे वो नहीं कर पाते, वह डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं। जैसे कि आपने बताया कि ये ज़्यादातर बच्चों को होती है, तो किस एज ग्रुप में इसके सिम्टम्स दिखने लगते हैं? देखिए, बच्चों में शुरू होती है, बड़ों तक चलती है ये, क्योंकि लेकिन वो आइडेंटिफाई चूंकि बचपन में की जाती है और जो लर्निंग स्किल जो प्राइमरी एजुकेशन में जो लर्निंग स्किल्स की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर जब डिफ़िकल्टी बच्चे महसूस करते हैं तो लॉन्ग टर्म में भी आगे उनको लाइफ में वो डिफ़िकल्टी, अगर उनमें प्रॉपर इंटरवेंशन नहीं किया गया तो वो डिफ़िकल्टी वहाँ महसूस करते हैं। और ऐसा कोई एज क्राइटेरिया नहीं है कि इस एज में बच्चों को होता है, ख़ासतौर पर जब हम एकेडमिक में जब बच्चे आने लगते हैं तो 7th-8th क्लास में जब उनको थोड़ा सा एकेडमिक स्किल्स में बेहतर परफॉर्म करने की जरूरत होती है तो वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, तब वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं पेरेंट्स के द्वारा या टीचर के द्वारा, तब उस तरह के बच्चे हमारे पास पहुंचते हैं और हम फिर उसमें इंटरवीन करते हैं। ये स्लो लर्नर क्या है और लर्निंग डिसेबिलिटी और स्लो लर्नर में क्या अंतर है? जी बहुत अच्छा सवाल है ये। स्लो लर्निंग और लर्निंग डिसेबिलिटी हम इस तरह समझ सकते हैं, ये खास तौर पर स्लो लर्नर जो होते हैं उनमें एवरेज IQ से थोड़ा कम IQ होता है, अगर हम उनका IQ टेस्ट करेंगे तो वो एवरेज से थोड़े कम आएंगे, वो या तो बॉर्डर लाइन में आएंगे या बिलो एवरेज में आएंगे, और ऐसे बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, मतलब उनको डिफ़िकल्टी नहीं है लेकिन वो धीरे सीखते हैं, है ना। तो उनका जैसे डेवलपमेंट समझ लो कि ब्रेन का डेवलपमेंट है वो धीरे हो रहा है, जब वो थर्ड क्लास में होते हैं तब उनमें जो ब्रेन उनका है जो फर्स्ट क्लास के बच्चों के बराबर डेवलप हुआ है, जब वो 5th क्लास में आएंगे तो उनमें 3rd क्लास के बच्चे के बराबर ब्रेन डेवलप हुआ है, तो थोड़ा पीछे चल रहे होते हैं वो जनरली, तो उनको अगर थोड़ा मेहनत की जाती है तो ऐसे बच्चे अच्छा प्रोग्रेस करते हैं। और हाँ, लर्निंग डिसेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो लर्निंग डिसेबिलिटी में मैंने आपको बताया कि वो पर्टिकुलर चीज़ में प्रॉब्लम होती है उनको, उनका IQ अच्छा होता है, कई बार वो बिलो एवरेज भी हो सकते हैं, एवरेज भी हो सकते हैं और एबव एवरेज भी हो सकते हैं, लेकिन उनको पर्टिकुलर डिसेबिलिटी होती है किसी चीज़ में, वहाँ पर हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये लर्निंग डिसेबिलिटी है। ये लर्निंग डिसेबिलिटी
जिन बच्चों में होती है लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे, तो इनका आईक्यू लेवल कम होता है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल मैंने आपको जैसे बताया कि इसमें आईक्यू लेवल कम नहीं होता है। अगर हम आईक्यू की बात करें तो एवरेज आईक्यू 90 to 110 होता है, तो 90 से नीचे बच्चे जो आते हैं वो स्लो लर्नर में आ जाएंगे, और 90 एबव या 110 से भी एबव अगर बच्चे हैं तो वो भी कई बार उनमें लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। तो आईक्यू का लर्निंग डिसेबिलिटी से ज़्यादा संबंध नहीं है, स्लो लर्नर का संबंध है आईक्यू से, लेकिन लर्निंग डिसेबल्ड बच्चों का उस आईक्यू से ज़्यादा संबंध नहीं है। ये लर्निंग डिसेबिलिटी क्या एक ही प्रकार की होती है, या फिर अगर ये होती है तो कितने प्रकार की होती है? डिफरेंट टाइप्स की होती है तो कितने प्रकार? यस, जैसे मैंने आपको बताया कि लर्निंग डिसेबिलिटी में बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे मैंने बताया डिसलेक्सिया है, जिसमें रीडिंग और राइटिंग संबंधित समस्या होती है, डिसकैलकुलिया है, जिसमें मैथमेटिक्स से संबंधित समस्याएं होती हैं, डिसग्राफिया है, जिसमें ग्राफ से संबंधित समस्याएं होती हैं, तो वहाँ डिफिकल्टी महसूस करते हैं। इस तरह से और भी तरह की डिफिकल्टीज होती हैं, वो अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया उनको। ये कैसे पता किया जा सकता है कि किसी बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी है या नहीं? इसके साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। सबसे पहले तो हम ऐसे बच्चों का आईक्यू टेस्ट करते हैं, तो हमको ये पता चलता है कि इसका आईक्यू तो अच्छा है। फिर हम उनके लर्निंग से संबंधित कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, कुछ परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं, जिससे हमको हम उनकी राइटिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, मैथमेटिक्स की स्किल्स और अदर स्किल्स जो है उससे आइडेंटिफाई करते हैं, उससे मतलब मेजर करते हैं, और उससे हमको पता चलता है कि ये बच्चा कहाँ डिफिकल्टी महसूस कर रहा है, तो उसको हमको किस कैटेगरी में डालना है। वैसे इसे देखा गया है कि बहुत से बच्चे होते हैं जो देर से बोलना और चलना सीखते हैं, तो अगर कोई बच्चा देर से बोलना या चलना सीखता है तो क्या उसे भी फ्यूचर में लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है? देखिए, ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है एक तरह का। अगर बच्चे देर से बोलना या चलना सीख रहे हैं तो उनमें हो सकता है कि उनका आईक्यू कम हो, तो ऐसे बच्चे मेंटल रिटार्डेशन कैटेगरी में भी आ सकते हैं। और लर्निंग डिसेबल्ड बच्चों में हमेशा ऐसा नहीं है, पर कई बार ऐसा देखा गया है कि उनमें कुछ बोलने या चलने की जो है वो थोड़ा डिले होता है डेवलपमेंट, पर्टिकुलर कुछ चीज़ें। स्लो लर्नर्स में भी बहुत कॉमनली देखा गया है कि उनमें चलने और बोलने की जो डेवलपमेंट है वो लेट हुए हैं, और जो हमारे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं वो कई बार डिले होते हैं, कई बार नहीं भी होते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा उनका डेवलपमेंट डिले हो। मतलब सभी बच्चों में ऐसा नहीं होता जो देर से बोलते चलते हैं। बिल्कुल 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 ऐसा नहीं है। लर्निंग डिसेबिलिटीज बच्चों में कितनी कॉमन है? देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटी बहुत कॉमन है और स्लो लर्नर बच्चे भी बहुत कॉमन है। अगर हम बात करें तो क्लास में करीब 30% बच्चे ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं किसी तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी या स्लो लर्निंग या किसी भी तरह की एडजस्टमेंट प्रॉब्लम में होते हैं या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में होते हैं। तो इसमें बहुत लर्निंग डिसेबिलिटी नॉर्मल स्कूल्स में तो बहुत कम देखने को मिलती है, पर स्लो लर्नर्स बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं, तो कॉमन तो है ये। ये लर्निंग डिसेबिलिटी क्या समय के साथ अपने आप ठीक हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लर्निंग डिसेबिलिटी समय के साथ अपने आप ठीक नहीं होती है, हमको उसमें कुछ इंटरवेंशन करना होता है। इसमें ट्रेंड स्पेशल एजुकेटर्स इसमें अच्छा वर्क करते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इसमें अच्छा वर्क करते हैं। तो ऐसे बच्चों को सबसे पहले तो उनका आइडेंटिफिकेशन करना, किस एरिया में उनको प्रॉब्लम है, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से संबंधित कुछ साइकोलॉजिकल टेक्निक्स होती हैं, कुछ एकेडमिक स्किल्स उनमें डेवलप करने की कुछ स्पेशल टेक्निक्स होती हैं जो हम उन पर अप्लाई करते हैं, उनसे वो बच्चे उस प्रॉब्लम से ओवरकम कर जाते हैं। जैसे कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है तो आप उससे संबंधित फिजियोथेरेपी है या उससे संबंधित जो सुविधाएं हैं हम उसको अगर देते हैं तो वो डिसेबिलिटी से ओवरकम करता है। ऐसा ही लर्निंग से संबंधित चीज़ों में भी अगर हम उसका इंटरवीन करते हैं प्रॉपर तरीके से तो ओवरकम करता है। हाँ, लेकिन अगर वो आपको एकेडमिकली अगर आप कुछ नहीं करते हैं, मान ले बच्चा ज़्यादा पढ़ नहीं पाया किसी वजह से, तो कई बार आइडेंटिफाई नहीं होता, वो अपने बाकी सारी चीज़ें अच्छे से करता है तो उसको पता ही नहीं चलता है, पेरेंट्स को भी पता नहीं चलता है, टीचर को भी पता नहीं चलता है कि वो कभी लर्निंग डिसेबिलिटी उसको थी। लर्निंग डिसेबिलिटी का जो इफेक्ट सबसे ज़्यादा आता है वो प्राइमरी एजुकेशन में दिखाई देता है। अगर हमने प्राइमरी एजुकेशन में इंटरवीन नहीं किया तो वो आगे भी डिफिकल्टी महसूस करेगा, ये बिल्कुल है, लेकिन उतनी नहीं करेगा जितनी प्राइमरी एजुकेशन में करता था, तो वो सफर करेगा उसके साथ में, उसको आगे और तरह की डिफिकल्टीज हो सकती हैं। ये लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रसित बच्चे क्या दूसरे बच्चों की तरह परफॉर्म नहीं कर सकते? देखिए, ऐसा नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर हम प्रॉपर तरीके से इनको अंडरस्टैंड करें, इनका सही आइडेंटिफिकेशन हो और सही तरीके से इनका इंटरवेंशन हो और इनको ट्रेनिंग दी जाए, इनका मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से किया जाए तो ये नॉर्मल बच्चों से कई बार और बेहतर भी कर सकते हैं। मतलब ये आप बिल्कुल ना समझें कि वो अलग है वो दूसरे नॉर्मल बच्चों से, ये पूरी तरह से नॉर्मल है, पर पर्टिकुलर चीज़ों में उनको डिफिकल्टी है, हमको वहाँ पर उनको इंटरवीन करने की ज़रूरत है। ऐसे बच्चों के लिए क्या अलग से स्कूल होना चाहिए? अब जैसे ये नॉर्मल ही है, नॉर्मल परफॉर्म कर सकते हैं,
तो फिर क्या इनका स्कूल अलग होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। और गवर्नमेंट की अब ऐसी पॉलिसी है कि आप किसी को उसकी डिसेबिलिटी की वजह से आप स्कूल से बाहर नहीं कर सकते हैं। स्कूल्स को जरूरत है कि उससे संबंधित जो ट्रेनिंग उसको प्रोवाइड की जाए, वो मैनेजमेंट उसको प्रोवाइड किया जाए, और ऐसे बच्चों को नॉर्मल बच्चों में ही ये बच्चे प्रॉपर तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं, उसको किसी तरह की डिफिकल्टी नहीं है और पूरी तरह से नॉर्मल बच्चे हैं। ये लर्निंग डिसेबिलिटी में आपका यानी साइकोलॉजिस्ट का क्या रोल है? देखिए, साइकोलॉजिस्ट का रोल इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो हमारा जो रोल है वो सबसे पहले है उसका आइडेंटिफिकेशन, मतलब उसका सही डायग्नोसिस बनाना। उसके बाद आता है फिर हम उसकी उसका जो मैनेजमेंट है उसमें हम काम करते हैं कि उसमें जो इंटरवीन किया जाना है, उसमें जो टेक्निक अप्लाई की जानी है, उसमें एकेडमिक स्किल्स डेवलप करने के साथ साथ उसमें कुछ बिहेवियर स्किल्स भी, कुछ साइकोलॉजिकल स्किल्स भी डेवलप करनी होती है। ऐसे बच्चों का मोटिवेशन बढ़ाने की जरूरत होती है, ऐसे बच्चों के साथ में कुछ अगर उसके फैमिली के साथ में एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है या किसी तरह की इमोशनल प्रॉब्लम बच्चा महसूस कर रहा है या कहीं डिफिकल्टी महसूस कर रहा है, कई बार ऐसे बच्चे डिप्रेशन और एंजाइटी में भी कई बार चले जाते हैं, तो उन चीज़ों से भी उसको बाहर निकालना, वो सारा काम साइकोलॉजिस्ट करता है। और इससे बच्चे जो है जिस तरह की डिफिकल्टी वो महसूस कर रहे हैं उससे पूरी तरह से बाहर आ सकते हैं। एक मूवी थी आई थी तारे जमी पर, जी जी, तो उसमें एक किरदार था ईशान अवस्थी नाम का, जी, तो ऐसा बताया जा रहा है कि उसे भी ये लर्निंग डिसेबिलिटी थी। बिल्कुल, बहुत सी बार इसी चीज का उदाहरण दिया जाता है। बिल्कुल 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 सही है, और आजकल ये मूवी आने के बाद लोगों में थोड़ी अवेयरनेस आई है, ये बिल्कुल सही बात है। उस मूवी में जो दिखाया गया है वो थोड़ा, चूंकि मूवी ड्रामेटिक होती है तो उसमें बहुत ड्रामेटिक दिखाया गया है। अगर कई बार उसमें ऐसा दिखाया गया है कि लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे नॉर्मल से बहुत अलग दिखाई देते हैं या अलग बहुत ज्यादा डिफिकल्टी महसूस करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार उसको सिर्फ पर्टिकुलर डिफिकल्टी होती है, मैंने आपको बताया, और बाकी चीज़ों में बिल्कुल नॉर्मल दिखेगा वो आपको। आप कहीं भी कोई उसका ना कोई सोशल स्किल में उसको कमी है, ना कोई कम्युनिकेशन में उसके किसी तरह की कमी है, वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है, वो क्रिएटिविटी में बहुत अच्छा हो सकता है। तो इनका पता धीरे धीरे चलता है। अब जैसे उसमें जो दिखाया गया ईशान में, उसमें उसको दिखाया गया है कि वो सभी चीजों में डिफिकल्टी महसूस कर रहा है ना। तो ऐसा नहीं है कि लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे इसी तरह के, हम उदाहरण पेश करें कि वो इतनी डिफिकल्टी महसूस करता है तभी हम उसको आइडेंटिफाई करें कि वो लर्निंग डिसेबल्ड है। कई बार टीचर्स को भी पता नहीं चलता है, पेरेंट्स को भी पता नहीं चलता है और बच्चा लर्निंग डिसेबल्ड होता है। आप लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रसित बच्चों के माता पिता और शिक्षकों को क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये। लर्निंग डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे हैं उनके माता पिता और टीचर कई बार उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और उनमें अननेसेसरी किसी भी तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर डेवलप करते हैं, तो इससे बच्चा और भी ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में जा सकता है। ऐसे बच्चे कई बार बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत डिस्ट्रैक्टिव हो जाते हैं, ऐसे बच्चों में डिप्रेशन एंजाइटी के सिम्टम्स भी आगे जाके देखे गए हैं, उनका मोटिवेशन बहुत कम हो जाता है, उनकी सेल्फ स्टीम डेवलप नहीं हो पाती। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चा अगर नॉर्मली परफॉर्म नहीं कर रहा है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि उसमें इंटरवीन करने की ज़रूरत है, उसको सही आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत है, उसका सही डायग्नोसिस करने की ज़रूरत है। नॉर्मली बच्चे मोटिवेटेड होते हैं अपनी पढ़ाई के लिए और नॉर्मली बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। अगर बच्चा डिफिकल्टी महसूस कर रहा है या उसका परफॉर्मेंस कम हो रहा है या कम है, तो आपको समझना चाहिए कि वो किसी स्पेशलिस्ट का काम है कि वो उसको जाने पहचाने समझे कि इसकी क्या प्रॉब्लम है और उसको आपको सही तरीके से वो आपको गाइड कर पाएगा। तो ऐसे बच्चों के साथ किसी भी तरह की डांट मार या किसी तरह का पनिशमेंट इमोशनल लेवल पर या फिजिकल लेवल पर उनको हर्ट नहीं करना चाहिए। टेम्प्रेरी हमको उसके रिजल्ट मिल जाते हैं, बच्चा बैठ जाता है पढ़ने के लिए, बच्चा कोई गुस्सा करता है तो वो शांत हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसके इफेक्ट अच्छे नहीं आते हैं। तो ये अगर आप इस तरह का बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं तो बहुत गलत हो सकता है। ये सरकार और प्रशासन को आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे? माता पिता और शिक्षकों को तो आपने अच्छी जानकारी दे दी, जी जी जी, बच्चों के प्रति किस तरह से नरम रुख रखना है जी, वो आपने बताया जी, तो सरकार और प्रशासन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि बच्चों के लिए अलग से स्कूल रखे या फिर इन बच्चों के लिए और क्या सुधार लाए जा सकते हैं, क्या उनकी मदद करें? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये। सबसे पहली बात तो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम सिर्फ एजुकेशन की बात करते हैं, हम उसके लिए टीचर रखते हैं, हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं हम उसके लिए स्पोर्ट टीचर रखते हैं, हम ऐसी बहुत सारी क्रिएटिविटी से जुड़े हुए टीचर्स को रखते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल के अलावा प्राइवेट स्कूलों में तक, मतलब गवर्नमेंट स्कूल को हम ये मान सकते हैं कि अभी प्राइवेट स्कूलों से पीछे चल रहे हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में भी ना प्रॉपर
तरीके से काउंसलर्स हैं, ना साइकोलॉजिस्ट हैं, ना स्पेशल एजुकेटर्स हैं, और ऐसे बच्चों को कई बार छांट दिया जाता है उनको, जब स्कूल में एडमिशन दिया जाता है तो उनको पहले उनके टेस्ट लिए जाते हैं तो बच्चे अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं ले पाते हैं। अब तो गवर्नमेंट में भी, मैं अभी देख रहा था एक न्यूज आई है कि अब गवर्नमेंट भी छटनी और चलनी लगा के उनको छांटने वाली है, तो ऐसे बच्चों के लिए फिर क्या सोचा है, किसी ने क्या सोचा है, प्रशासन क्या सोच रही है, यस डेफिनेटली सरकार इस बारे में क्या सोच रही है? तो ये बहुत ज्यादा संवेदनशील मामला है, तो हमको टीचर और हम क्रिएटिविटी के टीचर रखते हैं, हम म्यूजिशियन रखते हैं, हम स्पोर्ट टीचर रखते हैं, तो हम ये बिल्कुल कंपलसरी करें सभी प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स में कि स्पेशल एजुकेटर, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर बिल्कुल कंपलसरी होना चाहिए सभी स्कूलों में, और ऐसे बच्चों, ऐसे स्कूल का प्रॉपर स्क्रीनिंग होना चाहिए, ऐसे बच्चों को प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करना चाहिए और उन बच्चों के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जी बहुत बढ़िया, इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने इजी वे में, इतने आसान तरीके से आपने लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में जो हमें जानकारी दी है वो इस डिसेबिलिटी से ग्रसित बच्चों के पेरेंट्स व अन्य लोगों के लिए वाकई काफी मददगार साबित होगी। दोपहर न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम हमारे मेहमान में हम आपसे फिर मुखातिब होंगे नए मेहमान के साथ, तो दीजिए इजाजत, नमस्कार।